एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी थ्री जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के ग्रोथ की तो लास्ट 18 इयर्स में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर ने एक पॉजिटिव रेट के साथ ग्रो किया है और जो सबसे कम ग्रोथ रेट हम इस सारे टाइम पीरियड में ऑब्जर्व करते हैं वो 2009 और 10 में था जो कि पॉइंट टू थ्री परसेंट था या इसके बाद जो सबसे आप कह लें लोएस्ट ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया एग्रीकल्चरल सेक्टर ने वो 2015 एंड 16 में था जब एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रो किया पॉइंट टू सेवन परसेंट के हिसाब से लेकिन अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी एंड 23 की तो इस ईयर में एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो, ग्रो किया था अप्रोक्सीमेटली वन परसेंट के साथ जब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं तो यहां पे जो मेजर सेक्टर्स हैं तो हम उनको डिवाइड करते हैं एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल सेक्टर को क्रॉप सेक्टर में और लाइफ स्टॉक सेक्टर में और अगर क्रॉप सेक्टर की हम बात करें तो वहां में हमारे पास फाइव मेजर क्रॉप्स हैं जिनमें आपके पास वीट आता है कॉटन राइस शुगर केन और मेज जब हम बात करते हैं वीट प्रोडक्शन की तो पाकिस्तान इज वन ऑफ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन कि अगर हम 15 टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट लें इन वर्ल्ड तो पाकिस्तान की रैंकिंग यहाँ पे एट नंबर पे है लेकिन जब आप बेसिकली इस टेबल में हम रिपोर्ट कर रहे हैं एरिया प्रोडक्शन एंड यील्ड फॉर ईयर 2019, 2020 एंड 2021। जब हम बात करते हैं यील्ड की जब आप इंडिया के साथ पाकिस्तान यील्ड का कंपैरिजन करते हैं तो हम यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंडिया इज प्रोड्यूस इंडिया जील्ड इज सिक्सटीन परसेंट मोर देन पाकिस्तान फिर यहाँ पे टॉप फिफ्टीन प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट में जील्ड ऑफ यूएसए यूक्रेन फ्रांस जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम इज ऑल्सो हायर विद रेफरेंस टू पाकिस्तान जब अब हम मेज के रेफरेंस में बात करते हैं तो पाकिस्तान इज नॉट दार्ट ऑफ टॉप फिफ्टीन प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज इन दर्ल्ड तो यहां पर हमें पाकिस्तान में देर इज अड टू कैरी आउट मोर वर्क विद रेफरेंस टू मेज कि आप हम इसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सकें और विद्रीज इन प्रोडक्शन देर देर शुड ऑल्सो बी अड टू फोकस ऑन द जील्ड ऑफ मेस टू मेज टू इन पाकिस्तान जब हम राइस की बात करते हैं तो अगेन पाकिस्तान स्टैंडिंग इज नाइंथ इन दॉप फिफ्टी प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस लेकिन अगेन जब हम इसका कंपेरिजन करते हैं विद रेफरेंस टू जील्ड तो पाकिस्तान जील्ड इज एटी परसेंट लेस देन चाइना इंडिया के साथ कंपेरिजन करें तो अगेन इट इज सेवन परसेंट लेस देन इंडिया और जब आप बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करोगे तो अगेन यील्ड ऑफ राइस इन पाकिस्तान इज 23 लेस देन बांग्लादेश और ये जो इंडोनेशिया फिलिपीन ब्राजील जापान यूएसए एंड इजिप्ट ऑल दीज कंट्रीज हैव हाई राइस यील्ड कंपेयर टू पाकिस्तान शुगर केन अगेन अ मेजर क्रॉप इन पाकिस्तान और अगर हम इसकी स्टैंडिंग की बात करें इन टॉप फिफ्टीन प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग फोर्थ नंबर पे है इन दी वर्ल्ड लेकिन अगेन जब हम कंपैरिजन करते हैं विद रेफरेंस टू जील्ड तो जील्ड ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इज 12 परसेंट हायर देन पाकिस्तान चाइना ने तो इस सारे फेज में आप कहें हमें आउट क्लास से किया है दे आर प्रोड्यूसिंग 34 परसेंट मोर देन पाकिस्तान फिर इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया यूएसए गोतमाला ऑल दीज कंट्रीज पाकिस्तान जो हमारे पास फिफ्थ आप कहें इंपॉर्टेंट क्रॉप है इन पाकिस्तान कॉटन जब आप कॉटन की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है कॉटन में दैट इज फिफ्थ इन टॉप फिफ्टीन प्रोड्यूसर्स ऑफ सीड कॉटन अगेन देयर इज नीड टू वर्क ऑन यील्ड ऑफ द कॉटन कॉटन सीड सीड कॉटन जो यील्ड है सीड कॉटन की दैट इज मच लोअर देन चाइना कि अगर आप चाइना के साथ इसका कंपैरिजन करोगे तो ये जो यील्ड है चाइना की दैट इज ऑलमोस्ट 446 परसेंट हायर देन पाकिस्तान अब जब ये हम इन इन, इन अगर हम पांचों क्रॉप्स के रेफरेंस में अगर हम डिस्कशन करें तो ऑलमोस्ट इन ऑल दीज क्रॉप्स चाइना आउट पाकिस्तान लेकिन जब आप वो हिस्टोरिकल डेटा देखोगे चाइना और पाकिस्तान का तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन नाइनटीन ऑलमोस्ट यील्ड of china and pakistan is very close to each other but over last 50 years we can see a significant difference in the yield of crops in china and pakistan so there is a need to carry out a close working between china and pakistan to fill this yield gap that we have created in pakistan with reference to production of crop sector हाँ जी इस टेबल में हम लाइफ स्टॉक सेक्टर के रेफरेंस में कुछ डेटा रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आप नंबर ऑफ कैटल्स की बात करो फ्रॉम 1986 टू 2021 22 तो हम यहाँ पे एक इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स हम ऑब्जर्व कर सकते हो आप इस टेबल में कि बर्ड का भी नंबर इंक्रीज हुआ है शीप्स का भी इंक्रीज हुआ है लेकिन जब आप यहाँ पे नंबर ऑफ हॉर्सेज के रेफरेंस में ये सारी डिस्कशन करोगे तो यहाँ पे हम एक एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ओवर टाइम रिमेन कॉन्स्टेंट इज नो इंक्रीज इन दंबर ऑफ फोर्स इन फैक्ट देर इज नंबर ऑफ फोर्स ट्वेंटी टू इस सारी डिस्कशन में अगर हम बात करें नंबर ऑफ फॉर्म एरिया नंबर ऑफ फॉर्म एंड फॉर्म एरिया की तो हम यहाँ पे एक बड़ी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अंडर अंडर पॉइंट फाइव हेक्टर्स जो आपके पास फॉर्म्स हैं वहां पे आलमोस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर्म्स हैविंग द एरिया ऑफ एरिया इज लेस देन पॉइंट फाइव हेक्टर्स आलमोस्ट सिक्सटी फोर परसेंट फॉर्म्स इन पाकिस्तान हैव एन एरिया अंडर टू हेक्टर्स लेकिन जब आप बात करते हो लार्ज फॉर्म साइज की नंबर ऑफ फॉर्म्स हैविंग एरिया ट्वेंटी

एन एरिया ऑफ लेस देन पॉइंट टू हेक्टर्स ये जो आपके पास टोटल फॉर्म एरिया क्या है इट इज अबाउट परसेंट और ये सारी चीज के जब हम फॉर्म्स का फॉर्म एरिया का एवरी साइज ऑफ फॉर्म होल्डिंग्स की बात करते हैं तो हम यहां पे एक बड़ी स्क्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं फिर इसी पैटर्न पर अगर हम डिस्कशन करें फॉर नंबर ऑफ़ नंबर ऑफ प्राइवेट फार्म्स हैविंग एरिया मोर देन 20 हेक्टर्स तो ये जो फार्म एरिया का टोटल बनता है आप कह सकते हो इट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 22 परसेंट ऑफ फार्म एरिया और ये जो सारा हम डेटा यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं द डेटा हैज बीन कलेक्टेड इन दैट डेटा हैज बिन रिपोर्टेड विद रेफरेंस टू ट्वेंटी टेन जी उसके बाद ये नंबर एंड एरिया ऑफ फार्म बाई साइज का कोई सर्वे नहीं हुआ और इस सारे टेबल से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपके पास नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं जो आपके पास फॉर्म एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज वेरी मच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्म एंड फॉर्म एरिया हैज इंप्लीकेशन ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर सो देर इज अ नीड टू कैरी आउट वर्क ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म and from in Pakistan to improve the productivity of agricultural sector